नमस्ते एंड हेलो टू ऑल द हैंडसम एंड ब्यूटीफुल वुमन और वेलकम टू माय फिटनेस मोटिवेशन चैनल गेट फिट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एग्स एंड इट्स टॉप 10 हेल्थ बेनिफिट्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा सो दैट यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्स एंड इट्स बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन उसको जल्दी से हिट कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए विद ऑल ऑप्शन, क्योंकि मैं इसी तरह से जो है लेटेस्ट वीडियो लाते रहता हूं विद यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग एग्स के बारे में बात करेंगे। एज वी ऑल नो दैट एग इज वेरी पॉपुलर अमंग ऑल द पीपल। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उन लोग के लिए तो ये मतलब काफी पॉपुलर है, रेगुलरली कंजम्पशन भी होता है सबके घर में। सो एग के बारे में पहले हम लोग जानेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहला जो बाहर का आउटर कवरिंग रहता है उसे कहते हैं एग सेल, जो काफी हार्ड होता है। उसके बाद नंबर 2 में रहता है आउटर मेम्ब्रेन, नंबर 3 में इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। नंबर 4 जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग चलाजा। नंबर 5 एक्सटीरियर एल्ब्यूमिन, नंबर 6 मिडिल एल्ब्यूमिन, नंबर 7 विटलाइन मेम्ब्रेन, नंबर 8 न्यूक्लियस ऑफ पैंडर, नंबर 9 जर्मिनल डिस्क या फिर न्यूक्लियस, नंबर 10 येलो योक, नंबर 11 वाइट योक, नंबर 12 इंटरनल एल्ब्यूमिन, नंबर 13 चलाजा, नंबर 14 एयर सेल एंड नंबर 5 क्यूटिकुला। सो फ्रेंड, दैट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन टिपिकल एग, अ टिपिकल चिकन एग और हेन एग। अगर एग का आविष्कार का बात करें तो एग जो है काफ़ी प्री हिस्टोरिक टाइम से ही चल रहा है, जब इंसान से इसे इवॉल्व भी नहीं किया था, जब केव मैन था, यू नो लाइक फ्रॉम दैट टाइम ओनली एग का कंजम्पशन चल रहा है। सो अगर एग का प्रोडक्शन का बात करें तो एज पर द डाटा प्रोवाइडेड ऑन 2017, चाइना वॉज द हाइस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स, फॉलोड बाई US, इंडिया एंड मेक्सिको। एक फन फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, मैंने जो कंपोनेंट दिखाया कुछ देर पहले, जिसमें जो अलग अलग एक का जो पार्ट्स मैंने देखा, उसमें जो 14 नंबर में था एयर सेल। जी हाँ दोस्तों, तो एयर सेल क्या होता है देखिएगा, ये काफ़ी लोग शायद ध्यान नहीं देते होंगे। जब भी हम लोग कोई रॉ एग उसको फोड़ते हैं फॉर मेकिंग ऑमलेट और एनीथिंग, तो उसमें देखिएगा एक हवा का कैविटी रहता है निचला हिस्सा में, जिस हिस्सा में वो थोड़ा सा मोटा रहता है उस हिस्सा में जो है नीचे तरफ जो है थोड़ा सा एक एयर कैविटी रहता है। तो हम लोग जो है वो एयर कैविटी से पता कर सकते हैं कि वो एग कितना फ्रेश है। जी हाँ दोस्तों, मतलब वो एयर कैविटी जितना कम होगा उतना ही एग आपका फ्रेश है। जितना दिन बढ़ते जाता है वो एयर कैविटी धीरे 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 बढ़ते रहता है। सो अगर आप एग फोड़ते हो आप देखें कि आपका एयर कैविटी एकदम कम है, तो समझ लीजिए आपका एग जो है एकदम फ्रेश मिल रहा है। बट अगर एयर कैविटी बहुत ज़्यादा है तो समझ लीजिए वो एग काफ़ी पुराना है। अब हम लोग जल्दी से जान लेंगे एग का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है आपके स्किन पे। तो दिस इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू एज पर 100 ग्राम्स ऑफ एग, हार्ड बॉइल्ड एग, ठीक है। तो एनर्जी सबसे पहले जो है वो है 647 किलो जूल्स, विच इज इक्विवेलेंट टू 155 किलो कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट 1.12 ग्राम्स, फैट जो है 10.6 ग्राम्स, प्रोटीन जो है 12.6 ग्राम्स इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाइटामिन प्रोफाइल में, उसमें आप देख सकते हो वाइटामिन ए भी इसमें रहता है बट थोड़ा कम मात्रा में 149 माइक्रोग्राम्स, एंड इसमें जो है विटामिन B6 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है 0.121 मिलीग्राम्स रहता है, विटामिन B12 भी है, आपका विटामिन D 87 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन E 1.03 मिलीग्राम, विटामिन K 0.3 माइक्रोग्राम विच इज़ गुड फॉर बोन। मिनरल्स में अगर ध्यान देते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले जो है एज यूजल कैल्शियम 50 मिलीग्राम्स, आयरन 1.2 मिलीग्राम्स, मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 172 मिलीग्राम्स, पोटेशियम 126 मिलीग्राम, सोडियम 124 मिलीग्राम एंड जिंक 1.0 मिलीग्राम एंड वाटर कंटेंट 75 ग्राम्स एंड इसमें कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी मात्रा में रहता है 373 मिलीग्राम्स। सो फ्रेंड, दोज वर द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ 100 ग्राम हार्ड बॉइल्ड एग। अब हम लोग जल्दी से जान लेंगे टॉप 10 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एग्स रेगुलरली इन आवर डाइट। नंबर 1, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, एक मेजर टिपिकली 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है जो कि मोस्ट ऑफ अस नो। तो नॉट ओनली प्रोटीन, उसमें जो है विटामिन सी भी रहता है, वेरियस मिनरल्स भी रहता है, जिसका चलते जो क्या है काफ़ी जो है एक एक से हम लोग को एनर्जी मिलता है और हम जो है कभी भी जब एक खाते हैं एक भरा हुआ सा महसूस होता है, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस जिसको कहता है। तो अगर हम एक के साथ जो है ब्रेड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड या फिर कोई राइस खाते हैं या फिर कोई जूस या फ्रूट्स खाते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ब्रेकफास्ट के लिए खास करके, ये काफ़ी मात्रा में जो हम लोग को एनर्जी देता है
एक बूस्ट देता है फॉर द एंटायर डे विच इन टर्न इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ आवर बॉडी फॉर द एंटायर डे। नंबर टू, आयरन सॉल्ट प्रॉब्लम। जी हाँ, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हम लोग में से मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी रहता है, जो कि शायद हम लोग को खुद भी पता नहीं रहता है। बट बिकॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी हम लोग को क्या होता है, थकावट महसूस होता है, हेडेक देता है, इरिटेशन होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आयरन जो है खास करके इट इज अ गुड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड एंड इट हेल्प्स टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, टू मेंटेन अ प्रॉपर रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज वेल। सो आयरन का जो है रहना बहुत जरूरी है एंड आयरन जो है एक का योग में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एंड एक का योग में आयरन जिस फॉर्म में पाया जाता है दैट कैन बी रेडिली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, उसको तुरंत यूज अप भी कर सकते हैं। सो अगर हम लोग एक रेगुलरली खाते हैं तो एटलीस्ट ये जो आयरन डिफिशियंसी का प्रॉब्लम है इसको काफ़ी हद तक हम लोग कम कर सकते हैं एंड वी कैन लीव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। नंबर थ्री, न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी। अब न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी क्या है? एक में जो है काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स भरा हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। तो एक स्टडी जब कंडक्ट किया गया था बिटवीन कंज्यूमर्स ऑफ एग एंड नॉन एग कंज्यूमर्स, तो ये पाया गया था कि जो लोग एग नहीं लेते, जो लोग एग का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनका डाइट में टिपिकली विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन B12 का कमी पाया गया था एंड अलग अलग भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी कमी पाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक को अगर आप अपना डाइट में ऐड करते हैं तो उससे जो है आपका न्यूट्रिएंट्स को इतना बूस्टअप मिलता है एंड जिसका डिफिशियंसी जो है काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं जस्ट बाय इंक्लूडिंग वन एग पर डाइट। नंबर फोर, डू नॉट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ दोस्तों, सिंस 1990s एग का जो है काफ़ी बदनाम किया जाता है कि एग खाने से जो है हम लोग का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सिंस उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। ये बात सच है कि एग में कोलेस्ट्रॉल रहता है, बट एवरी कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ बैड कोलेस्ट्रॉल। कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल जो है हम लोग को जरूरी भी है इन आवर बॉडी। तो एज पर द लेटेस्ट रिसर्च एंड स्टडी ये पाया गया है कि जो सब फूड आइटम्स में आपका फैट्स रहता है, फैटी एसिड रहता है, ट्रांस फैट रहता है, सैचुरेटेड फैट रहता है, दोज फूड आइटम्स आर फार मोर डेंजरस फॉर योर हार्ट एज कम्पेयर टू एग कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ दोस्तों, एग में जो है कोलेस्ट्रॉल रहता है बट उतना मात्रा में भी नहीं रहता है कि जिससे जो है तुरंत आपको हार्ट को इफेक्ट कर जाए एंड अगर आप एग को एक्सेसिवली नहीं खाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप हाथ से ज़्यादा खाते तो उसका एक बैड इफेक्ट होता है, बट ऐसा खाना जिसमें फैट, सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट ज़्यादा है वो आपको जो है ज़्यादा हानिकारक है अपना हार्ट के लिए एज कम्पेयर टू अ एग कॉन्टेनिंग कोलेस्ट्रॉल। सो आप जो है एग को अपना रेगुलर डाइट में ऐड कर सकते हैं बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल उसमें काफ़ी सारा अदर भी न्यूट्रिएंट, विटामिंस एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रहता है। नंबर फाइव, वेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, वेट लॉस एक अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग काफ़ी कंसिडर करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। सो एज पर अ स्टडी ये देखा गया है कि अगर आप एग खाते हैं एंड एग के साथ जो है अगर आप सपोज कुछ ऐड करते हैं जो कि हम लोग ऑब्वियसली करते लाइक ब्रेड और सलाड और यू नो लाइक कार्ब्स, ठीक है, एंड उसको जो है अगर आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो ये पाया गया है कि उससे जो है आपको काफ़ी मात्रा में एनर्जी मिल जाता है जिससे जो है आपका नेक्स्ट मील तक काफ़ी गैप हो जाता है एंड ओवर ईटिंग का जिन लोग का हैबिट है वो आपका नहीं हो पाता है और वो खाने से जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि एक फुलनेस का फीलिंग आता है, मतलब हमेशा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर आपको लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है तो आप दूसरा चीज़ नहीं खाइएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ओवर ईटिंग का हैबिट भी छूट जाता है, आपका हेल्दी खाना भी आप खा लेते हैं, दिन भर के लिए आपको एनर्जी भी मिल जाता है एंड ओवरऑल ये जो है आपका वेट लॉस में हेल्प करता है। नंबर सिक्स, ब्रेन हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, एक जो है आपका ब्रेन हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? एक में जो है एक न्यूट्रिएंट रहता है जिसका नाम है कोलिन। जी हाँ, इसके बारे में मैं पहले भी दूसरा वीडियो में बता चुका हूँ। तो कोलिन जो है आपका ब्रेन का हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है बिकॉज इट मेक्स योर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एफिशिएंट। खास करके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज शो दैट द वुमेन हु आर प्रेग्नेंट अगर वो प्रॉपर जो है एक कंज्यूम करते हैं तो जो चाइल्ड अभी मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे उसका जो है ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एग, क्योंकि उसमें जो कोलिन रहता है वो हेल्प करता है। सो एज यू कैन सी एग कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एट वेरी वाइटल टाइम्स। नंबर सेवन, प्रिवेंट्स कैटरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्टडी में पाया गया कि अगर हम लोग अपना डाइट में प्रॉपरली एग लेते हैं, स्पिनच लेते हैं, ब्रोकली लेते हैं, उससे जो है
हम लोग का कैटरेक्ट एंड अदर हार्मफुल आई डिजीज होने का चांसेस अप टू 30% कम हो जाता है। खास करके इट इज बेनिफिशियल फॉर एल्डरली पीपल जिनमें जो है मैक्सिमम होता है या होने का चांसेस रहता है। सो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक खाते तो उससे जो है हम लोग का आई का हेल्थ में भी काफ़ी असर पड़ता है। उसका कुछ कुछ कंपोनेंट जो है आपका आई को इंटरनली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस दैट एंटर आवर आई थ्रू यू नो नॉर्मल लाइट या फोन स्क्रीन या फिर टीवी स्क्रीन एंड इट हेल्प्स द आई टू कोप अप विद द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सच काइंड ऑफ रेडिएशंस। नंबर 8 बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता ही है काफ़ी लोगों की एक से जो है हम लोग को हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है और एक आपको अप्रॉक्स 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। एंड प्रोटीन में भी जो खास बात यह है कि एज वी ऑल नो दैट अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ऐसा जो है आपका 9 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऐसा है जो कि हम लोग का बॉडी खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता, जो कि हम लोग को डाइट से ही लेना पड़ता है। ये 9 के 9 अमीनो एसिड्स एक में प्रेजेंट रहता है। एंड एक कंपैरिजन में पाया गया है कि अगर जो हम अलग अलग प्रोटीन सोर्स को लेते हैं, जैसे कि फिश हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया एंड एग हो गया, ये सब में जो है प्रोटीन काफ़ी मात्रा में रहता है, लेकिन सबसे बेस्ट एंड भरपूर मात्रा में प्रोटीन जो है एग में ही पाया जाता है। सो एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, एग इज अ वेरी चीप एंड बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्पेशली फॉर एथलीट्स हु गो टू जिम और हु वर्कआउट रेगुलरली। नंबर 9 बोन हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में देखा है कि एग में जो है काफ़ी मात्रा में कैल्शियम रहता है, ठीक है, एट द सेम टाइम विटामिन डी एंड विटामिन के भी रहता है जो कि हम लोग का बोन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम लोग जो है प्रॉपरली एग कंज्यूम करते हैं एंड इसको रेगुलर करते हैं इन आवर डे टू डे डाइट, इससे जो है हम लोग का बोन का हेल्थ भी काफ़ी हद तक सही रहता है। नंबर 10 हेल्दी हेयर एंड नेल। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान का जो है बाल और नाखून से ये चल पा सकता है कि उनका बॉडी में जो है अलग अलग हार्मोन्स का या केमिकल एक्टिविटीज का किस तरह से रिएक्शन चल रहा है, किसी का डेफिशिएंसी है या किसी का सरप्लस है, ये हम लोग हेयर एंड नेल से जो है पता कर सकते हैं। एग में जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स रहता है जो कि हम लोग का बॉडी का ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल को प्रमोट करता है। सो हम लोग अगर रेगुलर बेसिस पे एग्स खाते हैं तो ये नॉट ओनली हम लोग का प्रोटीन इनटेक, बोन हेल्थ एंड अदर फंक्शंस को देखता है, एट द सेम टाइम हेयर एंड नेल्स का जो हेल्थ है जो कि काफ़ी छोटा सा हिस्सा है बट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसका भी प्रॉपर ध्यान रखता है। सो फ्रेंड, दोज वर द टॉप 10 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एग इन आवर डे टू डे लाइफ। आई होप आपको जो है इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला, कुछ नया सीखने मिला। अगर आपको नया कुछ जानने मिला तो काइंडली जो है लाइक बटन पर हिट कीजिए, उससे जो है मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली जो है नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए विद ऑल ऑप्शन, क्योंकि मैं इसी तरह से जो है लेटेस्ट वीडियो विद यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहता हूँ रिगार्डिंग टू हेल्थ एंड फिटनेस। सो गाइज, मिलते हैं आपको अगला वीडियो में। टिल देन यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।